हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आप सब लोग कैसे हो? ये बहुत अच्छे हो। मैं भी बिंदास हूँ। सबको हैप्पी होली। बेंगलोर में उतना बड़ा फेस्टिवल नहीं है होली। किधर किधर खेलता है बहुत ही, मतलब नॉर्थ बंगाली लोग को। बहुत मिस कर रही हूँ मैं कोलकाता को। बहुत बहुत मिस कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत मिस कर रही हूँ। सबसे मिस कर रही हूँ मेरा फ्रेंड लोगों को। मेरा फ्रेंड लोगों को बहुत मिस कर रही हूँ मैं। आज होली स्पेशल बना रही हूँ। पहले ऑनियन फ्राइड राइस बना रही हूँ। मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है। राइस हो गया, अभी सब्जी बना रही हूँ। राइस में जो जो सब्जी यूज करूँगी, और पेपर चिकन बन रहा है। होली में मॉर्निंग में उठ के सब फ्रेंड लोग कॉल करता है, रेडी है। और इधर तो कुछ भी नहीं, मतलब खाना भी खुद को बना के बनाना पड़ता है। और उधर तो मेरा फैमिली सब लोग खाना रेडी करता है मॉर्निंग से लेके। बहुत कुछ खाना बनता है, मटन, चिकन, फिश आइटम, फिर राइस, पूरी, स्वीट, ये सब। क्योंकि बहुत रिलेटिव भी आता है। पूरा कलकत्ता ऑफ रहता है, ऑफिस, कॉलेज, स्कूल सब कुछ बंद रहता है, सब कुछ। लेकिन बैंगलोर में सब कुछ ओपन है, कुछ भी बंद नहीं है। ऐसे नॉर्मल डे जैसे रहता है ऐसे। बैंगलोर बिजी लाइफ सबका, हाउस वाइफ छोड़ते। खाइए क्या बन रहा है। ये जो फ्राइड राइस में जाएगा उसका सब वेजिटेबल है, कॉलीफ्लावर, बीन्स, कैरेट, पोटेटो, कैप्सिकम, ऑनियन। ये मेरा वेजिटेबल हो गया ऑलमोस्ट। अभी इसमें राइस डालूँगी। ये मेरा बनके राइस, फ्राइड राइस बनके रेडी। अभी चिकन बनाती हूँ। अभी मैं पेपर चिकन बनाने के लिए चिकन में थोड़ा सा सोया सॉस डालूँगी, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मसाला में भी मसाला डालूँगी ना तो ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। उसके बाद इसमें कॉर्नफ्लावर डालूँगी। कॉर्नफ्लावर दे दिया। इसमें थोड़ा क्रंची क्रंची चिकन बनता है।
अच्छा लगता है, नहीं तो नॉर्मल जैसा बन जाता है ना, पेपर चिकन फील नहीं होता है। तो क्रंच बनाने के लिए मैं कॉर्नफ्लावर डाला, थोड़ा सा सोया सॉस, ऑयल में थोड़ा मैं फ्राई कर लूँगी चिकन को, ऑयल गर्म हो गया। अभी मेरा तोड़िया रहा है, चिकन का पत्ता ही होता है, तो दिखा देती क्या है। मैं एक्चुअली एक ब्लाउज ऑर्डर किया था, तो आ गया अभी रेड कलर। मैं ये फर्स्ट टाइम मीशो से ब्लाउज ऑर्डर किया, पता नहीं करेक्ट आता है नहीं आता, क्योंकि मेरा ब्लाउज से डिफेक्ट आया, डैमेज प्रोडक्ट, इधर पूरा रिटर्न करना पड़ेगा। मेरा एक कुर्ती भी आया था वो भी डैमेज था, एक साड़ी भी आया था डैमेज था, लेकिन मैं जिस दिन आया था उस दिन मैं ओपन नहीं किया, उसका 1 वीक हो गया, उसके बाद मैं पैकेट ओपन किया तो देखा पूरा साड़ी डैमेज है, तो 1 वीक बाद तो रिटर्न नहीं होता है, तो मुझे और ये भी डैमेज आया, आज मैं ओपन किया बोल के रिटर्न करना पड़ेगा। इतना खराब प्रोडक्ट देगा तो कोई नहीं लेगा, नेक्स्ट टाइम से तो मीशो से मैं और कुछ नहीं लूँगी। ऐसे डैमेज प्रोडक्ट नहीं देना चाहिए, बेचो मत, नहीं तो आपका ऐप ही, ऑनलाइन ऐप ही बंद हो जाएगा ऐसे डैमेज प्रोडक्ट दोगे तो। पूरा डैमेज है, इधर भी डैमेज है, आप लोग देख सकते हो, इधर भी डैमेज है, इधर भी डैमेज है। मैं आप लोगों के सामने पैकेट ओपन कर किया, प्लीज़ मीशो ऐसे प्रोडक्ट मत भेजो, भेजना है तो अच्छा ही भेजो, नहीं तो मत भेजो ऐसे, है ना। ये तो मैं रिटर्न करने वाली हूँ, मेरा मूड ऑफ हो गया। ऐसे डैमेज प्रोडक्ट आता है ना तो गुस्सा आ जाता है, इसलिए अच्छा ऐप से लेना चाहिए। मेरा मीशो से जितना भी प्रोडक्ट आया, एक इयर रिंग कॉस्मेटिक्स से इयर रिंग ज्वेलरी मेरा अच्छा आया, नहीं तो मैं जितना भी ड्रेस ऑनलाइन मीशो से लिया डिफेक्ट। और मेरा एक बैड हैबिट है, जिस दिन आता है उस दिन मैं अनबॉक्सिंग नहीं करती, 1 वीक तो 2 वीक आफ्टर मैं जाके अनबॉक्सिंग करती हूँ, इसलिए ना मुझे रिटर्न नहीं होता है, रख देना पड़ता है ऐसा। आज मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ, इसलिए अच्छा हुआ ना पता चल गया, नहीं तो मैं ये कब ओपन करती थी मुझे ही पता नहीं। ये मेरा 2 टाइम मेरे साथ हुआ, एक मैं
सरस्वती पूजा से पहले साड़ी ऑर्डर किया था, और साड़ी जब आया तो मेरा ओपन नहीं हुआ, मैं ओपन नहीं किया, मिनिमम 2 वीक बाद या 3 वीक बाद मैं ओपन किया पैकेट। ओपन करने के बाद मैं जब मैं भी नहीं देखा, मैं ओपन करने के ओपन नहीं किया ऐसे, पैकेट ओपन नहीं किया ऐसे, ऊपर से देखा हाँ ठीक है बोल के मैं एक टेलर आंटी को दिया फॉल पीको कराने के लिए। वो मेरे सामने पूरा साड़ी ऐसे खोल के ओपन कर रहा था, ओपन करने के टाइम में मुझे दिखा रहा है देखो आपका साड़ी पूरा डैमेज है, तो मुझे बहुत गुस्सा आया। अभी 1 वीक के अंदर में रिटर्न करना चाहिए, नहीं तो नहीं होता है रिटर्न 7 डेज के अंदर, तो मेरा रिटर्न नहीं हुआ इसलिए मैं रिटर्न नहीं कर पाया, और आज हुआ मेरे साथ ऐसे। नहीं तो मैं फ़ोन, बैग कवर, ज्वेलरी, ज्वेलरी में सिर्फ इयर रिंग लिया और कुछ भी नहीं लिया, और एक टूथ चेन लिया था ऐसे नेकलेस से जैसा होता है ना चिक जैसा ऐसे लिया था, तो ओके ओके आया था, बहुत अच्छा है ये नहीं बोलूँगी, ओके ओके आया था, तो और कुछ भी नहीं लेती हूँ मैंने उसे, और ऐसे हो गए। एक्चुअली उन लोगों का गलती ये है जब पैकिंग कर रहे हो आप लोग, पैकिंग करने के टाइम में एटलीस्ट अच्छे से चेक करना है ना, जो कस्टमर रिव्यू अच्छा नहीं आएगा तो आप लोग उन लोगों का ही प्रॉब्लम है ना, तो इसलिए अच्छे से चेक करके देना चाहिए। साइज़ भी परफेक्ट नहीं आया, मतलब 38 या 36 साइज़ मुझे दे दिया, चेक करके देना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। जल्दी मैं आप लोग पैक करके ऐसे देते हो, रिटर्न करने के टाइम में हम लोग को प्रॉब्लम हो जाता है ना, हम लोग कुछ अर्जेंट के लिए ही ऑर्डर करते हैं ना, कुछ अर्जेंट काम के लिए जल्दी जल्दी से ऑर्डर करते हैं। थोड़ा सा टर्मिनल फॉर्म और थोड़ा सा देंगे, अभी थोड़ा मसाला फ्राई होने के बाद मैं एक्स्ट्रा से चिकन पेपर मसाला डालूंगी। क्या बना, पेपर चिकन, अभी मैं गैस बंद कर देती हूँ। नाइस, मैं खुद ही बना के खुद ही बोल रही हूँ। सब लोग कमेंट करना, हाँ जरूर कमेंट करना, बताना प्लीज़ कमेंट करके मेरा चिकन, पेपर चिकन कैसे बना। प्लीज़ बोलना फ्रेंड्स, सब लोग बोलना ज़रूर, एक छोटा सा भी कमेंट करके बना बोलना मुझे मेरा पेपर चिकन कैसे बना। ये मेरा आज का मेनू, फ्राइड राइस, ये पेपर चिकन, होली स्पेशल। मैं खा के उसके बाद रिव्यू देती हूँ कैसे बना, ओके। तब तक बाय बाय, आप सब लोग भी होली एंजॉय करो, अच्छे से खाना खाओ, फैमिली को खिलाओ, फ्रेंड्स को खिलाओ, सबको खिलाओ, खुद एंजॉय करो, सबके साथ एंजॉय करो। तब तक बाय बाय।
नाइस, वेरी टेस्टी। बहुत ही अच्छा बना, बहुत ही। मैं खुद खा के खुद ही बोल, खुद बना के खुद ही बोल रही हूँ। थोड़ा सा राइस में सॉल्ट कम हो गया। मैं ना सॉल्ट कम ही खाती हूँ, मुझे ज़्यादा सॉल्ट पसंद नहीं होता है। मेरा खाना में थोड़ा सॉल्ट कम ही होता है। सॉल्ट ही थोड़ा कम हुआ, अदरवाइज सब कुछ ठीक है। मुझे तो ठीक लग रहा है, थोड़ा सॉल्ट कम लग रहा है, सॉल्ट कम हुआ। अभी पता नहीं सब लोग खा के क्या बोलते हैं। हम लोग को इधर शिवाजी नगर बोलकर जगह है, उधर पूरा नॉन बंगाली लोग रहता है ज़्यादा, तो उधर पूरा मतलब चिकन पेपा, चिकन कबाब, चिकन चॉप्स, कुछ भी बिरयानी, ए टू जेड मतलब जितना भी खाना हो ए टू जेड का मसाला मिलता है। और इतना अच्छा मसाला मिलता है, मैं इतना बार गया लेकिन मुझे ना वो मार्केट में अलग से है थोड़ा, मतलब ये मसाला का मार्केट मैं कभी गया नहीं। मुझे पता भी नहीं है उधर मसाला ये सब मिलता है, मुझे पता भी नहीं। लेकिन ये कुछ दिन मतलब हुआ, 2 वीक पहले मैं गया था, स्टील का कुछ घर का किचन का स्टील का प्लेट ये सब लेने के लिए, तो उधर जाके मैं वो मार्केट में मैं घुसा, जाके मैं ड्राई फ्रूट लेने गया था वो मार्केट में, तो देखा पूरा मॉल से ड्राई फ्रूट मॉल से लेती हूँ ना, थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा होता है, तो मैं सोचा होल सेलर मार्केट से ड्राई फ्रूट लूँगी तो थोड़ा कम मिलता है, तो उधर गया कम है, और मार्केट में मसाला मुझे मिला, और भी कोलकाता जैसा मसाला, तो मैं सब कुछ ले लिया। मैं हैप्पी हो गया मतलब मसाला लेके, बहुत अच्छा मसाला का स्मेल भी है, खाना भी अच्छा बनता है, बहुत अच्छा है। बहुत ही अच्छा बना, बहुत मतलब अब मैं जितना खाना बना सकती हूँ तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। आप लोगों को काश मैं खिला सकती थी तो आप लोग भी बोलते थे मैं कैसे बनाया। तो कलकत्ता में और जो लोग नॉर्थ बंगाली हो वो लोग बहुत आज का दिन एंजॉय कर रहे हो, आज का दिन बहुत एंजॉय कर रहे हो, अच्छे से आज का दिन एंजॉय करो, अच्छे से खाना खाओ, फैमिली के साथ एंजॉय करो, फैमिली को अच्छा अच्छा बना के खाना बना के खिलाओ, आज के दिन बहुत एंजॉय करो। जो लोग कलकत्ता का रहने वाले हो इधर जॉब के या कुछ भी काम के लिए इधर हो, वो लोग बहुत कलकत्ता को मिस कर रहे हो, मुझे पता है क्योंकि मैं कर रही हूँ। तो आज तक आज का वीडियो इतना तक, फिर से एक नया वीडियो के साथ मिलती हूँ, तब तक बाय बाय, अच्छे रहो, स्माइल करते रहो, एंजॉय करते रहो, मेरा वीडियो देखते रहो, अच्छा लगेगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मेरा वीडियो को शेयर करो, कमेंट करना भूलना मत, एक छोटा कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक कमेंट करके बताओ मुझे कैसा लग रहा है मेरा वीडियो। तब तक बाय बाय।